कितने का ये? तो जमुना जी पर तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए किया जाता है। गोपियों के कपड़े चुराए थे, ये कदम का पेड़। अच्छा, ये वाला पेड़ कदम का पेड़। अच्छा, यहाँ पे वो कपड़े चुरा के ऊपर चढ़ गए थे गोपियों के। अच्छा, ऊपर चढ़ गए और कपड़े यहाँ चुराए थे। ये वाला कदम का पेड़ दोस्तों, यहाँ पे कृष्ण भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए थे और उस पेड़ पे चढ़ गए थे। मैं पेड़ दिखाऊंगा आपको। और ये है चीर घाट वृंदावन का। इसने कालिया नाग को मारा था। अच्छा, कालिया नाग। अच्छा, वो तीन रात तीन दिन युद्ध किया था इसने। अच्छा, किसने? कृष्ण भगवान ने ये किया था। अच्छा, जब बिसहला हो जाता था ना, गाय पीने के लिए आती पानी तो मर जाती थी। अच्छा, पक्षी मर जाते थे, इसलिए उनके उससे मुक्त करने के लिए जब कालिया नाग को मार करते थे। विष खाना है, विष के लिए। अच्छा, विष। अच्छा, वो नाग सबको काट रहा था। विष, हाँ विष था उसके जल में, विष था। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे फिर काली नाग को मारा था। और फिर यज्ञ भी किया था, नाग को मारने से पहले किया था। अच्छा अच्छा, किया था। और गोपियों के कपड़े यहीं पे चुराए थे उन्होंने। हाँ, यहाँ से लेकर के जैसे गोपियाँ नहाती थी ना, हाँ हाँ, तो यहाँ से कपड़े लेकर के कदम के पेड़ पर चढ़ गए। अच्छा, वो वाला सामने सामने जो। चलो भैया, थैंक यू। जमुना जी का जल जब से काला है, जब कालिया नाग को मारा था ना, उसके विष से काली हो गई थी। अच्छा, उसके जहर से काली हो गई थी। भगवान कृष्ण भी काले हो गए थे। अच्छा अच्छा, बोलते हैं ना काला। हाँ हाँ हाँ, और आज भी पानी काला है, देखिए। ठीक है दोस्तों, मैं आप दिखा दूँ आपको कदम का पेड़, जहाँ पे कृष्ण भगवान गोपियों के कपड़े चुरा कर उस पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तो वो पेड़ सामने रहा, चलते हैं वहाँ पे। इसको बोलते चीर घाट। तो दोस्तों, यमुना नदी के इस चीर घाट के सामने ये जो आप देख रहे हैं, ये है कदम का पेड़। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि चीर का मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र यानी कपड़े। यहाँ भगवान कृष्ण ने बाल्य अवस्था में बहुत सी लीलाएं की थी। आज भी आपको दोस्तों चीर घाट पर ये वटवृक्ष देखने को मिल जाएगा, जिसे कदम का पेड़ कहते हैं। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने गोपियों के कपड़े चुरा कर इस पेड़ पे टांग दिए थे। आज के समय में तो इस वृक्ष के पास यमुना नदी नहीं दिखती है, थोड़ी सी दूरी पर है, पर माना जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के समय यमुना इसी वृक्ष के निकट से बहती थी। और दोस्तों, इस चीर घाट के इतिहास के बारे में बात करें तो उस समय में कुछ गोपियाँ इस नदी में स्नान करने जाया करती थी। ये बात श्री कृष्ण को बहुत चिंतित करती थी और वो सोचते थे कि इन गोपियों की कहीं बदनामी न हो जाए। तो भगवान कृष्ण ने ज्ञान देने के लिए एक दिन उन स्नान करती गोपियों के वस्त्र इस कदम के पेड़ पे टांग दिए। जब गोपियों ने ये देखा तो उन्होंने कृष्ण से अपने वस्त्र मांगे। पूछने पर कृष्ण भगवान ने मना कर दिया और कहा कि मुझे नहीं पता कि कौन सा वस्त्र किसका है, और तुम आकर खुद ही ले लो। गोपियाँ ये सुनकर कहती है कि अगर हम इस अवस्था में बाहर आएंगे तो हमें शर्म आएगी। जिस पर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे गोपियों, मुझ 5 वर्ष की आयु के बालक से तुम्हें लज्जा आ रही है, किंतु ऐसी अवस्था में स्नान करने से तुम्हें जल देवता वरुण देव से लज्जा नहीं आई, आकाश में उपस्थित सूर्य देवता से लज्जा नहीं आई। ये सुनकर गोपियों को उनकी भूल का आभास होता है। मान्यता है कि इसी कहानी को आधार मानकर हर युवती ये मनोकामना करती है कि जिस प्रकार तुमने उन गोपियों की रक्षा की, उसी प्रकार तुम मेरे और मेरे परिवार के सम्मान की रक्षा करना। तो दोस्तों, ये है कदम का पेड़, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुरा कर टांग दिए थे। तो देखिए, आज भी ये 5000 साल पुराना है, द्वापर युग का है। तो ये है चीर घाट, सामने है यमुना नदी, आज भी हरा भरा है। और इनको इस, देखिए अभी खंभे दिख रहे हैं आपको, इन खंभों की वजह से रोका गया है। तो ये है कदम पेड़ चीर घाट के जस्ट सामने। और मैंने वो बताया दिया आपको कि यहाँ पे कृष्ण भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए थे और यहाँ पे चढ़ गए थे। तो आज भी फेमस है ये।